आपको बस एक बात कहनी थी। हाँ जी कहो। आपने व्यूज किए, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आप ऐसी तरह आपको हम आपको आप हमको ऐसे व्यूज देते हैं और हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और मोना देखें कहाँ पे घुस के बैठ के जो है ना वो खाना खा रही है, छुप छुप के खा रही थी और मैंने यहाँ पे इसको पकड़ लिया। आज आज पता चल गया तुम क्यों कहती हो कि मुझे भूख नहीं है। और रोटी के साथ क्या खा रही हो? अंडा? नहीं, उसके साथ कुछ और भी रख के बैठी हुई है। ये इधर केक रखा हुआ है, आज बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे यहाँ पे। ये देखो ये केक के ऊपर जो है ना वो लगा रहे हैं क्या उसे कहते हैं, चिल बंटियां लगा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हमने जो है ना वो अपना रूम चैनल रूम के नाम पे जो है ना वो रेडी कर ली है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे रूम के ऊपर जो है ना वो लुबना उमर लाइफ स्टाइल, ये कल जो है ना वो लुबना ने कटिंग करके जो है ना वो लिखे हैं, क्योंकि बाकी सारा जो है ना वो घर भी लुबना आपको पता है डेकोरेट कर रही है, तो साथ जो है ना वो यहाँ पे अपने रूम में बस फिलहाल यही किया है ना। और ड्राइंग रूम दिखाना है थोड़ा सा। दिखाना है आज? आप तो कह रहे थे सारा कंप्लीट होगा फिर दिखाना है। ड्राइंग रूम थोड़ा सा दिखा देते हैं। चलें दिखा दें। हमारी जो है ना इधर चाय भी पड़ी हुई है, आके हमने चाय भी पीनी है, ठंडी हो रही है, तो आपको जल्दी दिखा देते हैं ड्राइंग रूम। ये बाहर भी ये एक नई चीज है, ये देखें, ये कल किया है ये। उसके बाद ये ऊपर ना व्हाइट व्हाइट बने हैं ये, तो ये मैंने लुबना को बोला था कि कलर करना है इसके ऊपर। हाँ, ब्लू कलर इसके ऊपर करना है, ये जो व्हाइट बादल बने हैं ना इसको ब्लू कलर करना है। और यहाँ पे ये नीचे किया है कल, ये रूम में चलते हैं अब। और ये साथ ही जो है ना वो आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम। लाइट ऑन कर दें। और ये जी ड्राइंग रूम में ये देखें, ये कारपेट यहाँ पे बिछा हुआ था और कारपेट जो है ना वो गंदा बहुत जल्दी हो जाता था, इसलिए जो है ना इसके ऊपर हमने ये चादर बिछाई है। और साथ में ये मैट्रेस लेके आए थे, यहाँ पे मैट्रेस रखा है। इसकी ये वाली चद्दर है, वैसे ये वाली बिछानी है, ये वाली चद्दर ये भी प्यारी वैसे लग रही है, लेकिन ये है कि ये बिछाएंगे ये पूरी आ जाएगी। ये मैट्रेस लेके आए थे हम, तो ये मैट्रेस यहाँ पे रखा है क्योंकि ये हम गेस्ट रूम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैट्रेस के साथ जो है ना वो यहाँ पे सराहने रख देंगे। और ये चीजें यहाँ पे पिक्चर्स लगेंगी अभी इसके अंदर। और उसके अलावा ये यहाँ पे क्लॉक लगाया है, ये कल लुबना ने कटिंग करके, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लग रहा है ये। और आप लोगों ने लाजमी बताना है कैसा लग रहा है। और यहाँ पे जी ये गुलदान बनाया है, ये इस पे गुलदान पे लुबना ने बहुत मेहनत की है। और पार्लर में भी नीचे ऐसे ही बना के लगाया था, लेकिन वहाँ पे हमारा छुप गया था क्योंकि वो टेबल आगे आ जाता है, तो यहाँ पे हमने लगाया ये, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं आएगा। अरबी के अल्फाज थे तो इनको कटिंग करना थोड़ा सा और लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट मैंने जैसे तैसे करके कर लिया जी बिल्कुल। और पर्दे भी जो है ना हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं, और हमने ही मतलब हो गया ना, आप भी तो मेरा ही हिस्सा हो। ये डेली अच्छा। लगाते थे कि मैं आज आके लगाऊंगा आज आके लगाऊंगा, इनके आने से पहले ये लगे हुए थे। और ये थोड़े से दीवार यहाँ पे अब नजर आ रही है, इतना कोई वाजिया नहीं नजर आ रहा कुछ, लेकिन अब प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अभी मजीद जो है ना वो डेकोरेशन इस रूम की होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो आपको दिखाई है हमने जी इंशाल्लाह। और ये हमारे जो गोलो मटोलो बेबी है ना, ये जब खाना खा रही होती है तब ये बोलती नहीं है, ये कहती है बस मुझे जो है ना वो खाना खाने दे, और इस वक्त जो है ना वो बोलने का टाइम नहीं। ऐसे ही है अभी भी फ्री हुई है कहीं हो गई फ्री। अच्छा यहाँ पे जी अपने साइड टेबल पे भी हमने ये ना लगाए हैं शीट्स, ये बड़ी प्यारी लग रही है, ये बॉर्डर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ पे ना, ये शीट्स लगाई हुई है। ये वॉलेट जो है ना ये वही है जो लुबना ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, और ये की चेन भी वही है, ये ऊपर भी ऐसे लगाई है। इतना ना वेट नहीं है इसका, ये लाइट वेट सा है तो इस वजह से हम ये वाला यूज कर लेते हैं, वो दूसरे वाला इनका लेदर का है अच्छे वाला जो है, तो वो वजन बहुत हो जाता है, तो वो कहते हैं मेरे से पॉकेट में रखा नहीं जाता, इसको तो आराम से कैरी कर रहे हैं जी बिल्कुल। ये ऊपर भी लगाई है, ये शीट ऊपर बड़ी प्यारी, इसमें लुबना की मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, ये देख लें ये पिक्चर है इसकी, ये मैंने कर रखी है। अच्छा आप हो गए फ्री, खाना पीना कम्प्लीट हो गया आपका। ये एक साइड पे ये लगाया था और वो भी इनकी मिनते कर करके मैंने लगवाया था, अब दूसरी साइड पे फिर मैंने खुद लगाया। सही, मैं जब इस साइड पे होना था ना, ये जब मैं यहाँ पे लगा रहा था ना तब रात के मेरे ख्याल में 1:30 बजे का टाइम था, ऐसे ही है जी? नहीं,
कितने बजे का टाइम था खुद बता दो। जल्दी लगा लिया था मैं भी, तो 1 बजे फारिग हुई थी सारा काम का। 1:30 बजे फारिग हुई थी मैंने तकरीबन पौने एक का तो टाइम था जब ये लगाया था। उसके बाद थकावट इतनी हो गई थी मैंने कहा सुबह उठ के लगा लूंगा। लगाने के बाद थकावट इतनी हो गई थी इनको कि ये लगाने के बाद इससे पहले भी कोई काम किए थे। उसके बाद मैं जॉब से आया था ना तब, और वो दूसरी तरफ जो है ना लुब्रन खुद लगाया, इस तरफ जो है ना मैंने लगाया था। थोड़ा सा रफ हो गया हुआ था, इसके ऊपर से पेंट उतर रहा था, तो इस वजह से मैंने ड्रेसिंग पे भी लगा दिया था। ये ड्रेसिंग पे पहले का लगा हुआ है, ये तो पुराना हो गया ना अब, ये पता नहीं कलर पता नहीं लुब्रन ने फेंके हुए हैं कि बच्चों ने फेंके हुए हैं। मैंने कहा तो ये और मोटी फ्री हो गई है मोना बेबी करके अभी फारिग हुई है। हमारी गोलो मटोलो बेबी जो है ये खाना खा के फ्री हो गई है, या पता नहीं इसने क्या क्या खाया है। इसने सिलवटों वाले सही कपड़े पहने हुए हैं प्रेस किए बगैर, फील भी हो रहा है इसके बाजू ऐसे सिलवटे पड़ी हुई। ये जी मैं ना पौने भी लेके आया था मार्केट से, तो वो यहाँ से जितने भी पौने मिलते हैं ना अब मेरे ख्याल में 100 110 120 का पौना मिलता है, और उनके कलर ऐसे ख़राब होते हैं कि जैसे पता नहीं ये कितना रफ पौना था। तो ये पौने जो है ना मैं ये सितारा वालों का शोरूम है यहाँ पे फैसलाबाद में, शोरूम से जो है ना मैं जाकर लेके आया था। ये दर्जन पूरे वो मिलती है 80 रुपये के हिसाब से मुझे एक मिला, लेकिन ये है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, और अब कटिंग करके हम रख रहे हैं ताकि बाद में यूज़ करना जो है ना वो आसान हो। लेते हैं ना सारे, नहीं कटिंग करेंगे थोड़े से रखते हैं बाकी वैसे रखते हैं। हमारे पहले वाले जितने भी पौने हैं ना सारे पौने जो है ना वो मोना ने गंदे कर दिए हैं। मोना जो है ना वो पराठा लेके पौने में रख के बैठ जाती है, और किसी पौने का हाल जो है ना मोना ने छोड़ा नहीं है। पौने में रखती हूँ, आपने सारे पौने जो है ना हमारे खराब कर दिए हैं। नए पौने ला के दो आप मुझे। ये क्यों खराब करो, ये आपको देना ही नहीं है, पौना देना ही नहीं आपको। व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहती हो आज? कोई बात करनी है हमारे व्यूअर्स के साथ? आपको बस एक बात कहनी थी। हाँ जी कहो। आपने व्यूज किए आपका बहुत शुक्रिया, आपने आप ऐसी तरह आपको हम आपको आप हमको ऐसे व्यूज देते रहे और हमारे साथ खड़े रहे, ठीक है? खड़े रहे तो आप तो आपको तो है वो क्या कहते हैं क्या से कहते हैं पता नहीं आप क्या क्या नहीं नहीं यानी कि आपको तो आपकी तो मजबूरी ही है क्या है? हाँ। आपका तो मजबूरी है खड़े होना, तो उनकी साथ क्या मजबूरी है आपके साथ धूप में खड़े रहे? धूप में खड़े हैं तो हमारे साथ ही खड़े हैं। दुश्मन से वो भी लड़े, आप दुश्मन से लड़ रही है वीडियो बना के अच्छा जो कमेंट आते हैं वो दुश्मन उन दुश्मनों से लड़े? हाँ, जो हमें व्यूज नहीं देते उन वो हमारे दुश्मन होते हैं। अच्छा जो व्यूज नहीं देते वो दुश्मन होते हैं और जो व्यूज देते हैं सब बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं बहुत प्यारी बच्ची है, तो इस वजह से हम अच्छे अच्छे व्यूज दे रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। जो व्यूज देते हैं शुक्रिया, जो व्यूज देते हैं उनके लिए क्या पैगाम है? वो बहुत अच्छे हैं, वो थैंक यू थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे हैं, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें लाइक करें और सरप्राइज भी करें। चलें जी ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे आई थिंक हमारे जो है ना वो 40K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमारी एक बिग अचीवमेंट है और आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है कि हमारे 40K सब्सक्राइबर्स जो है। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी जल्दी हमारे 40 करवा दिए और फटाफट से 50 करवा दें जी। अब 50 की सेलिब्रेशन क्योंकि हमने करनी है, 50 की हमने सेलिब्रेशन करनी है, इसलिए जो है ना वो 50 की हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मोना को केक खिलाना है, ठीक है मोना? और मैंने आपको थैंक यू कहना। हाँ जी थैंक यू। फिर मोना आपको ना बड़े अच्छे अंदाज से थैंक यू इंशाल्लाह बोलेगी। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। बाय।